हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिश। गाइस, आज मैं आप सबके साथ समर्स के लिए स्पेशल चीज लेके आई हूँ, वो है फेशियल। और ये फेशियल है कर्ड फेशियल। और ये जो कर्ड फेशियल है गाइस, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इस समर्स में। बिकॉज समर्स में हमारी स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सन टैन से हो जाती है, पूरी सन टैन वाली स्किन हो जाती है। और ये जो फेशियल है ये आप जो है नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं, एंड ये आपकी जो है स्किन को जो है इवन टोन रखेगा, एंड उसमें जो सन टैन होगी उसको भी रिमूव करेगा। एंड जो ये फेशियल है गाइस, ये आपकी जो स्किन होती है इसको हाइड्रेट रखेगा, एंड इसको बहुत ज्यादा सा जो स्मूथ रखेगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा गाइस वो होगा क्लिंजिंग, सेकेंड स्टेप होगा वो होगा स्क्रबिंग, थर्ड स्टेप होगा मसाजिंग, एंड फोर्थ स्टेप होगा वो होगा मास्क। और इसके बाद जो है उसमें आपको टोनर अप्लाई करेंगे। तो चलिए फटाफट से जो ये समर फेशियल कर्ड फेशियल जो मैं आप लोगों के शेयर करना है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो सिखाती हूँ। चलिए, सो गाइस अभी मैं अपना कर्ड फेशियल जो है स्टार्ट कर रही हूँ। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हमें जो चाहिए आपको लेना है एक चम्मच जो है कर्ड लेना है क्लिंजिंग के लिए। अब इसमें आपको मिलाना है रॉ टमाटर, जो भी है टमाटो लेना है, एंड इसका जो है जूस सबको इसके अंदर स्क्वीज करना है अच्छे से। अब मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स करूंगी। तैयार हो गया है क्लिंजर मेरा। अब फर्स्ट जो स्टेप है उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट अपनी स्किन को जो है वाटर से क्लीन कर लीजिए। आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है, इसे अपने फेस पे जो है अच्छे से अप्लाई कीजिए। टोमेटो एंड कर्ड हमारी स्किन को जो है बहुत अच्छे से क्लीन करता है। टोमेटो हमारी स्किन होती है उसे सन टैन को भी रिमूव करता है। अगर गर्मियों में अगर आपको सन टैन हो गई है फेस पे, तो ये जो फेशियल है गाइस ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके स्किन से सन टैन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा एंड एक कूल इफेक्ट देगा आपको। अब इसको जो है अच्छे से हल्का हल्का जो है मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट तक जो है आपको इससे मसाज करना है। इस डन, ये पूरा जो है मैंने अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक मसाज किया है। ये अच्छे से मेरी स्किन में जो अब्सॉर्ब हो चुका है, एंड अब मैं जो है इसको वॉश करके आती हूँ, फिर मैं जो है आपको बताती हूँ कि क्लिंजिंग के बाद जो है मेरा फेस कितना क्लीन हुआ है। सो गाइस, मेरी स्किन को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, एंड ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रही है मुझे अभी, एंड क्लियर तो बहुत लग रही है। मैं इससे पहले मैंने जब ये शूट किया था तब आप मेरी स्किन देख सकते हैं, एंड अभी आप मेरी स्किन देख सकते हैं, बहुत ही जमीन आसमान का जो है फर्क लग रहा होगा। अब इसका जो सेकेंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं स्क्रबिंग, उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच कर्ड। इसके अंदर आपको मिलाना है 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर। अब इन सबको जो है अच्छे से इन दोनों को मिला लीजिए आप। हमारा जो है स्क्रबर तैयार है, एंड मैं इसे अभी अप्लाई करूंगी। इसे फर्स्ट अपनी पूरी स्किन पे जो है आप लगा लीजिए। राइस फ्लावर हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है गाइस, एंड ये हमारी स्किन को जो है ग्लोइंग भी बनाता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसे अब आप हल्का हल्का स्क्रब कीजिए। ये आपके स्किन से डेड सेल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब चीजें जो है निकाल देगा, एंड ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बना देगा। इसे मैं अपने लिप्स पे भी स्क्रब करूंगी, ये आपके लिप्स को भी बहुत अच्छे से जो है एक्सफोलिएट करेगा एंड डेड स्किन जो है वो हटा देगा। इसे जो है आप 2 से 3 मिनट तक जो है स्क्रब कीजिए अच्छे से। डन, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, एंड अभी जो है मैंने इसको क्लीन कर लिया है, एंड ये बहुत ही ज्यादा सुपर स्मूथ लग रही है मेरी स्किन। जितने भी डेड सेल थे एंड व्हाइट हेड्स थे मेरे यहाँ पे, एंड उसके यहाँ पे व्हाइट हेड्स आ जाते हैं कभी कभी, गर्मियों में तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट हेड्स रहते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहा है। अब हम करेंगे इसका थर्ड स्टेप जो है मसाजिंग। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच कर्ड लेना है आपको। अब आपको इसमें मिलाना है एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप जो है प्लांट का भी लेना चाहे एलोवेरा जो रियल होता है वो भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो है आपको एलोवेरा जेल 1 चम्मच जितना जो है मिलाना है।
अब इन सबको अच्छे से जो है आप मिक्स कर लीजिए। अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे यूज करूंगी मसाजिंग के लिए। अपने इस जो है फेस पे आप इसे अच्छे से पहले अप्लाई कर लीजिए। जैसी मसाजिंग होती है वैसी आपको जो है फेशियल मसाजिंग करनी है। फेशियल मसाज जो होती है गाइज वो फिंगर टिप्स से होती है, कभी भी पाम का यूज मत कीजिए, फिंगर टिप्स का ही यूज कीजिए। हल्का हल्का सा जो है फिंगर टिप्स से आप मसाज कीजिए, अपर डायरेक्शन में जो है आपको मसाज करना है। फेशियल मसाज बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी रिंकल्स हैं जो है स्किन पे तो वो इवन हो जाएंगे, एंड फोरहेड पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के रिंकल्स रहते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है आप ये वाला कर सकते हैं। इससे आपकी फोरहेड की जो है रिंकल्स धीरे धीरे जो है कम होने लग जाएगी। मुझे जो है फेशियल में सबसे ज्यादा जो है मसाजिंग का जो है पार्ट अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स जो है हो जाती है। आपको जो है 5 से 7 मिनट तक जो है अपनी स्किन को अच्छे से मसाज देनी है। अंडर आई एरिए पे कभी भी जो है कोई भी फिंगर टिप यूज मत कीजिए, अपनी जो है छोटी उंगली के पास वाली जो फिंगर आती है आप उसको यूज कीजिए, बिकॉज इसमें प्रेशर कम लगता है। एंड अंडर आई जो होती है हमारी वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ भी प्रेशर ज्यादा हो तो वहां पे रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड इसे हल्का हल्का सा जो है ऐसे मसाज लीजिए। मेरी मसाजिंग हो चुकी है, अब मैं इसे वॉश आउट कर लेती हूँ। सो गाइज अब हम हमारा 4th स्टेप करते हैं फेशियल का, मास्क। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है लास्ट में, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी व्हीट फ्लावर, जो गेहूं का आटा होता है नॉर्मली हम जो रोटियां खाते हैं जिसकी, वो जो आटा लेना है नॉर्मली वो आपको लेना है 2 चम्मच जो है गेहूं का आटा लेना। अब आपको इसमें मिलाना है 3 या 4 चम्मच जो है आपको मिलाना है इसमें, कर्ड मिलाना है। अब इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, अच्छा सा जो है एक थिक पेस्ट बन जाना चाहिए। सो गाइज ये मेरा मास्क रेडी है, एंड अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। व्हीट फ्लावर जो होता है गाइज वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को जो है ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, बिकॉज ये हम लोग नॉर्मली जो है इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। बेसन मुल्तानी मिट्टी तो हम लोग ध्यान देते हैं, बट इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है कि ये भी यूज होता है फेस के लिए। तो आप ये नॉर्मली, इसलिए मैंने जो है एकदम घर की चीजें होती है जो नॉर्मली अपन खाते पीते हैं उन सारी चीजों का जो है यूज किया है, जिससे आप भी आसानी से जो है इन सब चीजों का यूज कर पाए। ये मास्क मैंने जो है पूरा लगा लिया है, इसको आपको जो 20 मिनट तक अपने फेस पे जो है लगा रहने देना है, उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। सो गाइज मैंने अब जो है अपना फेस पैक भी जो है वॉश कर लिया है, मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड लग रही है एंड बहुत ही ज्यादा सुपर स्मूथ लग रही है। एंड आप देख सकते हैं मेरी फेस का जो है ग्लो बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है, एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको भी फेशियल कीजिए, कोई भी होममेड कीजिए या बाहर कुछ भी कीजिए, सबसे लास्ट में जो है टोनर अप्लाई करते हैं। तो मैं अभी जो है इस मेरे फेस पे टोनर अप्लाई करूंगी, ये मेरा जो है होममेड टोनर है, बट इसका मैंने अभी तक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बट अगर आप जो चाहेंगे तो मुझे प्लीज इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जो है कीजिए, तो मैं इसका जरूर से जो है वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। तो कोई भी टोनर, लाइक अगर टोनर आपके पास होममेड नहीं हो तो आप जो है रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, डाबर का या किसी का भी। तो ये जो है टोनर मैं अप्लाई करूंगी अभी। इसको थोड़ी देर के लिए जो है सेट होने दीजिए, उसके बाद जो है आप इसे हल्का हल्का सा जो टैप कीजिए, जिससे ये जो है आपकी स्किन पे जो है अब्सॉर्ब हो जाए। हल्का हल्का सा जो है टैप करना है आपको। इट्स डन। अब जो है ये ऐसे ही आपको रहने देना, इसको वॉश मत कीजिए।
एंड ये जो फेशियल है ये कंप्लीट है एंड इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कितना जो है क्लियर एकदम विजिबल जो है रिजल्ट आया है इसका। मेरा फर्स्ट जो है वीडियो मैंने स्टार्ट किया था तब आप मेरा फेस देख सकते हैं, अब मैं कितना मेरा फेस बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहा था एंड अभी जो है मेरा फेस बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है एंड मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सो गाइस ये जो फेशियल था ये आपने देखा मैंने कैसे जो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है वो सिखाया है एंड ये जो फेशियल है गाइस ये मंथ में एक बार या फिर आप 15 दिन में जो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये एकदम 100% नेचुरल है, ये आपके स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और ये आपके स्किन हर स्किन के साथ जो है सूट हो जाएगा, मतलब आपकी कैसी भी जो है स्किन है तो आप ये फेशियल कर सकते हैं आराम से। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।